Hey! Yeah! I love romance. I really love romance. I love romance. लड़की का हाथ पकड़ के उसे चूमा. You don't know. लड़की का हाथ पकड़ के उसे नकली promises करना. लड़की का हाथ पकड़ के जूते खाना. तुम जैसे लड़के कुछ नहीं समझते. लड़की का हाथ पकड़ने का मतलब ये कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. अगर ऐसा है तो ना जाने मैं कितने लड़कियों का हाथ पकड़ के कह चुका हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ. पता है जिस तरह एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है उससे लड़की ये समझ जाती है कि वो लड़का क्या चाहता है. ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की ने किसी लड़की का हाथ सॉफ्टली रोमांटिकली पकड़ा तो लड़की समझ जाती है कि लड़का क्या चाहता है. और अगर किसी लड़के ने एक लड़की का हाथ कस के पकड़ा तो लड़की समझ जाती है कि वो लड़का क्या चाहता है. हम लोग तो हर लड़की का हाथ जोर से ही पकड़ते हैं. क्यों इसीलिए तो बोलो को आज तक कोई स्टेडी गर्लफ्रेंड ही नहीं है. ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे. निशा तुम अपनी बताओ एनी गुड न्यूज. हाँ मलबार हिल में कॉटन गार्मेंट्स का 50% ऑफ का सेल लगा है. कॉटन गार्मेंट्स नहीं बैड न्यूज. हाँ मेरे पास एक भी आउटफिट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है ना. मेरा मतलब है उस होटल में रिसेप्शनिस्ट के जॉब का क्या हुआ. ओ उसका अरे जब मैं वहाँ गई ना तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे वहाँ मिल गए. तो हम सब कॉफी शॉप में गए फिर हम लोगों ने कॉफी पी बहुत सारी शॉपिंग की. और जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंची ना इंटरव्यू तो खत्म हो चुकी थी लेकिन इसमें मेरा कोई फॉल्ट है. तुम लोगों को कुछ चाहिए. हाँ निशा के लिए नौकरी और मेरे लिए लड़की. क्या आपके कैफे में कोई वैकेंसी है. फिलहाल तो तुम्हें नौकरी मिल गई. अंकल सैम. विक्रम. प्रिया आई थी. हाँ आई थी तुम्हारा इंतजार किया और फिर चली गई. चली गई. विक्रम. हाँ इज एवरीथिंग ऑल राइट. हाँ नहीं कुछ समझ में नहीं आता अंकल साहब. तुम्हारे लिए एक लिफाफा छोड़ गई है. अंकल सैम तुम पढ़ोगे इसे. ऑफ कोर्स. विक्रम मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती. मगर मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हूं. मैं जानती हूं कि तुम हम दोनों को और वक्त देना चाहते हो. हाँ चाहता तो हूं. मेरी खुशी अमित के साथ है इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती. प्यार करती तो डिवोर्स के पेपर्स क्यों भेजती. प्यार करती हूं इसीलिए तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं. मेरे क्या की कौन बनने वाली है. अरे कमान निशा अक्षय कुमार को देखो वो भी तो वेटर है. था. लेकिन अब क्या कर रहा है. क्या कर रहा है. आज भी वेट कर रहा है एक अच्छे रोल के लिए. जोक कर रहे थे नहीं फॉरेन से. और अंकल सैम के कैफे में तुम्हें कौन देखेगा. हां एम आई राइट. एग्जैक्टली रोज के 5000 लोगों को छोड़कर. अब पेनी को देखो. पेनी भी तो अंकल सैम के कैफे में गाना गाती है. इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर वही गाना गाएगी. क्यों पेनी. एक्चुअली मैंने दूसरे रेस्टोरेंट्स के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है. जस्ट स्टॉप इट. गाना गाने में और वेटरेस बनने में बहुत बड़ा फर्क है. कोई फर्क नहीं होता है. एट द एंड ऑफ द मंथ हम दोनों को 1500 रुपये मिलेंगे. वाओ मेरा 100 रुपये वापस है. जितना चैलेंजिंग जॉब पेनी का है उतना ही चैलेंजिंग जॉब तुम्हारा है. पेनी वहाँ गला फाड़ेगी और तुम वहाँ बिल फाड़ोगे. वो अमेरिका का प्रेसिडेंट. गलत कहा क्या. नहीं बिल्कुल नहीं. अब
इस सोफा को साफ कर रहे थे एक्चुअली मैंने फाड़ी और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों फाड़ी जल्दी नहीं भागी तो संजना तुम्हें कच्चा खा जाएगी पर एक्चुअली संजना वेजिटेरियन है गाइस आर द लिमिट अरे संजना तुम इतना टेंशन में क्यों हो हमारे मम्मी डैडी तो आ रहे हैं हाँ डरना तब जब मेरे मम्मी डैडी आएंगे क्यों मर गए 5 साल पहले गाइस इट्स अ जोक मेरे मम्मी डैडी मेरे हर चीज को इतने गौर से देखते हैं जितने भी गौर से देखे उन्हें इस सोफे के अंदर छुपी धूल कभी नजर नहीं आई बिल्कुल जहाँ धूल नहीं भी हो ना वो ढूंढ निकालेंगे क्योंकि मेरे हर काम को तो मेरे बड़े भाई विक्रम के साथ कंपेयर किया जाता है वो तो उनकी आंखों का तारा है ना द एप्पल ऑफ देयर आई और मैं उनका रॉटन एप्पल गाइस क्या तुम लोगों ने मेरी वो एंगेजमेंट रिंग देखी है मैंने देखी है वेरी ब्यूटीफुल तब होगी जब वो मुझे मिलेगी पता नहीं मैंने उसे कहाँ खो दिया है तो अपने उंगली में ढूंढो राहुल प्लीज आज सुबह मैंने फैसला किया था कि मैं आज उस घोंचू डेंटिस्ट को अपनी अंगूठी वापस कर दूंगी और ये शादी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी हाँ और मैंने एक और फैसला भी किया है कि आज से मैं अंकल सैम के कैफे में वेटरेस बनूंगी खुद पैसे कमाऊंगी और नई जिंदगी शुरू करूंगी अगर ये उंगली तुम्हारे अंगूठी के अंदर थी तो सोचो तुम अपनी उंगली लेकर कहाँ कहाँ गई हाँ ओके राइट ओके ओके मैं घर से एरोबिक्स एरोबिक्स से मैनिक्योर फिर हेयर कट फिर शॉपिंग फिर शॉपिंग फिर शॉपिंग फिर शॉपिंग और फिर घर घर आके मैं सीधे वहाँ किचन टेबल पर गई थी जहाँ संजना केक बना रही थी और मैंने तुम्हें केक मिक्स को फेंकने के लिए कहा था कहा तो था वो बर्थडे आ जाए राइट 16 बर्थडे हाय विक्रम हाय क्या बात है तुम इतने परेशान क्यों हो प्रिया प्रिया माँ बनने वाली है संजना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू अभी माँ बनी नहीं बनने वाली है गाइस प्रिया माँ बनने वाली है मगर वो अमित से कुछ ही दिन पहले मिली थी बच्चा अमित का नहीं मेरा है ये आजकल के बच्चे किसी के नहीं होते और प्रिया अमित के साथ ही रहेगी वही बताने आई थी मुझे प्रिया रहेगी भी वो अमित के साथ बच्चे को भी वही पालेगी सिर्फ नाम के लिए बच्चा मेरा होगा और आजकल इतनी अच्छी औरतें मिलती कहाँ है केक तो वैसे खराब हो चुका था ना तू चुप बैठ मैंने मम्मी डैडी के लिए बनाया था तो क्या फर्क पड़ता है वैसे भी मम्मी डैडी को तुम्हारी कोई चीज पसंद नहीं पिछले हफ्ते ही तो डार्लिंग संजना की चिट्ठी मिली हमें अरे हम तो पिछले हफ्ते ही आना चाहते थे लेकिन संजना की हैंडराइटिंग माशाल्लाह समझने में 2 दिन लग जाते बड़ी नहीं हुई हमारी बिटिया ओ बाय द वे संजना तुम्हें मिसेस शर्मा याद है डिफेंस कॉलेज में रहती थी उनकी बेटी रिता बॉम्बे आना चाहती थी ड्रेस डिजाइनिंग के लिए मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया अरे सुन के कितनी एक्साइटेड होगी कि तुम्हारी खुद की गारमेंट की इंडस्ट्री है लेकिन मम्मी मैं तो सिर्फ गारमेंट फैक्ट्री में ड्रेस डिजाइनर हूँ उसे ये बताने की क्या जरूरत है विक्रम तुम रिता को जानते हो ना अरे याद है कैसे कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आती थी अरे रिता ही क्या दिल्ली की सारी लड़कियां मेरे बेटे पे मरती हैं। मम्मी। और दिल्ली के सारे लड़के मेरी बिटिया पर मरते थे हाँ वो तो है दिल्ली के ही क्यों चंडीगढ़ के यूपी के मद्रास के सारे लड़के इस पे मरते थे अरे उसे एक बार देख ले तो सुसाइड कमिट कर लेते थे मम्मी आप मुझे कितना प्यार करती हैं इवन आई लव यू मम्मी आई लव यू टू माय बेबी मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ डैडी Well, I will love some coffee. Vikram, can you help me, please? क्यों खुद नहीं कर सकती हो? मेरा बेटा कितना tired लग रहा है. Vikram. Vikram,
मम्मी और पापा तुम्हारे और प्रिया के बारे में जानने आए हैं और जब तक तुम उन्हें बताओगे नहीं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ठीक है मैं बात करता हूँ चलो। मम्मी मम्मी थैंक यू थैंक यू बेटा। मम्मी शक्कर कम है। बिटिया मेरी बीवी खुद इतनी मीठी है इसे शक्कर की जरूरत पड़ती नहीं। संजना क्या तुम अभी तक ये अपार्टमेंट शेयर कर रही हो? हाँ। मैं तो तुम्हारी मम्मी से सालों से कह रहा हूँ जिस दिन मेरी बिटिया का अपना घर होगा ना हम उसी के साथ रहेंगे। ये कहते कहते तो तुम्हारे पापा के बाल पक गए। हाँ आप तो ये सुनने के लिए बेचैन होंगे कि मेरे और प्रिया के बीच में क्या चल रहा है। हाँ हाँ कैसी प्रिया? मेरे और प्रिया के बीच में कुछ नहीं चल रहा है मम्मी। What? वो मुझे छोड़ के चले गई है। मेरा मतलब है वो अभी शायद कभी वापस लौट के ना आए। डाइन कहीं की? वो बेबी। और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है जिसे अमित नाम का एक आदमी पालेगा और प्रिया अमित के साथ बहुत खुश है। Darling, now you can shut your mouth. और तुम ये सारी बातें तुम मुझे बता नहीं सकती थी? कृपया जरा ध्यान दीजिए तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे हर चीज खराब क्यों लगते हैं? क्योंकि पहला बच्चा हमेशा एक ऐसी मिसाल छोड़ के जाता है। मिसाल छोड़ के? मिसाल नहीं मिसाल। क्योंकि पहला बच्चा हमेशा एक ऐसी मिसाल छोड़ जाता है कि दूसरे के हर काम को उससे कंपेयर किया जाता है। मगर मैंने तो ऐसी कोई मिसाल नहीं छोड़ी। एनीवे निशा कहाँ गई है कोई जानता है? मैं जानती हूँ। मैंने उसे उस दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। निशा उस डेंटिस्ट के पास गई है जिसे उसकी शादी होने वाली थी। ओह माय गॉड मेरा गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। तुम्हारा? मेरा नहीं प्रिया का। मैं भी बात करूं। विक्रम 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 अमित और प्रिया को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट कर देना। अच्छा कम इन। हाय हाय। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। बबलू के दांतों पर सिर्फ 2 घंटे का काम बाकी है। तुम बैठो मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। मुझे तो सिर्फ इससे हाथ धोना है बच्चों। काम भूंगा। ओह तुम इसे दांत धोने आए हो? I'm sorry मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। हाँ मैं जानती थी तुम आओगे। हो गया? What? मेरा मतलब चेकअप हो गया? नहीं डॉक्टर अभी तक आए नहीं है आने वाले हैं। सॉरी आई एम लेट। दैट्स ओके डॉक्टर मैं विक्रम हूँ और मैं इसके होने वाले बच्चे का बाप हूँ। मैं ना ही इसके होने वाले बच्चे का बाप हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मेरा नाम अमित। इसके खून के धब्बे बड़ी मुश्किल से धुले। मैंने सुना कि तुम कहीं आउट ऑफ टाउन गए थे। वो तुम्हें याद है हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाले थे? ऑफ कोर्स। मैं स्विट्जरलैंड गया था। तुम अकेले? अकेले नहीं। फिर अब देखो तुम्हें चोट पहुंच सकती है। तुम्हें नहीं, उसे। मुझे? वैसे तो मैं डेंटिस्ट हूँ किसी को दर्द नहीं देता। क्या बोला ये? कह रहा है क्या फेंकता है? वो क्या है ना जब तुम उस दिन शादी के मंडप से भागी ना हाँ। तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ बल्कि बहुत खुशी हुई थी। खुशी? मैं जूलिया नाम की क्लास से बहुत प्यार करता था। हमारा प्यार आईसीयू में हो गया वो तो मैं अपनी फैमिली वालों हाँ, के कहने हाँ, पर हाँ, हाँ, मैं समझ गई। देखो निशा तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाती और मैं जूलिया के साथ बहुत खुश हूँ। थूको। क्या? थूको थूको। एनीवेज मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारी ये हीरो वाली अंगूठी लौटाने आई थी। वैसे निशा अब हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम लोग तो जानते होगे कि जब बच्चा होगा तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिसे सिर्फ एक बाप डिसाइड कर सकता है। जैसे? जैसे बच्चे का नाम अक्षय। अक्षय? आई मीन अगर लड़का हुआ तो उसे अक्षय बुलाएंगे। लड़की हुई तो रवीना। बहुत फिल्मी है। आदित्य या अदिति वो कैसे होगा? आदित्य अदिति। एक्सक्यूज मी बच्चे का नाम हम डिसाइड कर चुके हैं। हाँ
डिसाइड तो हमने भी किया था कि एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली दोनों अच्छे हैं। बच्चे के नाम? हाँ, बच्चे का नाम कुछ भी हो लेकिन लास्ट नेम तो गुप्ता ही होगा। मल्होत्रा होगा, गुप्ता मल्होत्रा। आगे से कोई फायदा नहीं, अब मैं बच्चे को तुम दोनों के सरनेम दे दूंगी। अक्षय गुप्ता मल्होत्रा, आदित्य मल्होत्रा गुप्ता। अरे नहीं नहीं, अक्षय गुप्ता मल्होत्रा। बच्चे का नाम डिसाइड किया जा रहा है? आप गायनोकोलॉजिस्ट? यस डॉक्टर चटवाल। हाँ तो क्या डिसाइड किया आप? अक्षय आदित्य रवीना मल्होत्रा गुप्ता। रवीना मल्होत्रा गुप्ता, ये बच्चे का नाम है या कॉकटेल ड्रिंक? ग्रेट नेम, ग्रेट नेम। वैसे आपको चक्कर आते हैं? थोड़े थोड़े। जी, उनके कहने का मतलब है कि मुझे थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं। मैं तो आपको चक्कर आते हैं तो आप लेट जाइए और आप दोनों दफा हो जाइए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाहर इंतजार कीजिए। हाँ ले जाइए। पिकअप। तुम्हारी शादी का किस्सा अभी भी चल रहा है? हेलो खन्ना डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर नंदू खन्ना है। हाँ मैं निशा बात कर रही हूँ। हेलो, हाय नंदू डार्लिंग, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो क्या है ना, जब से मैं घर आई हूँ मैं तुम्हारे उस आईसीयू वाली नर्स जूलिया और तुम्हारे रोमांस के बारे में बहुत सोच रही थी। नहीं नहीं, उसमें बुरा लगने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम्हारा प्यार और बढ़े, अमर हो जाए, फूले फले। यू इडियट कांड्रे लल्लो पंजो गधे और गधे। मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन व्हाट द हेल गाइस, ही डिजर्व्ड इट। अब मैं अपनी जिंदगी